हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और आप देख रहे हैं सुपर टूल्स। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल खोल के यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्सक्राइब का बटन है, उसकी मदद से आप चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा लगातार नए नए टूल्स रोज़ाना लाता रहता हूँ। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक नए टूल के बारे में। तो टूल का नाम है नोकिया केबल फाइंडर। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे इस वेबसाइट का लिंक है, उसकी मदद से आप ये पेज अपने कंप्यूटर में खोल लीजिएगा, अपने ब्राउज़र के अंदर खोल लीजिएगा। जब एक बार पेज खुल जाए आपके कंप्यूटर में तो पेज के आपको नीचे जाना है और यहाँ पे आपको तीन बटन दिखेगा, लाल, हरा, नीला। इन तीनों में से कोई बटन आप ओपन करके ये टूल अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मैं लाल बटन पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे सामने मेगा वेबसाइट है, वो खुल के आ गया है। तो यहाँ से मैं डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देता हूँ और तो जो डाउनलोड का प्रोसेस है वो लगभग स्टार्ट हो गया है। और ये टूल का जो साइज़ है आप देख सकते हैं कि 481 KB का है, तो बहुत ही जल्दी फटाक से डाउनलोड हो गया है मेरे कंप्यूटर में। तो इस जो टूल को मैं अपने डेस्कटॉप पे ला देता हूँ यहाँ पे, और आप देख रहे हैं कि जो टूल का प्रीव्यू है कुछ इस तरह से होना चाहिए। तो इस ज़िप पैकेज को मैं राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो टूल हमारे कंप्यूटर में एक्सट्रैक्ट हो चुका है, तो इस फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ। और इस फोल्डर के अंदर मुझे कुल तीन फाइल्स दिख रही हैं, तो मुझे ओपन करना है नोकिया केबल फाइंडर वर्जन 9। तो मैं इसको डबल क्लिक कर ओपन कर लेता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हैं कि टूल हमारे कंप्यूटर में प्रॉपरली खुल के आ गया है और ये कुछ मॉडल्स के नाम वगैरह कुछ अपडेट कर रहा है यहाँ पे, लिस्ट अपने आप ही विदाउट कोई कमांड दिए। तो जैसा आप देख सकते हैं कि सारे मॉडल्स अप टू डेट हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अपना मतलब कि वर्क सेव कर लीजिए और रीस्टार्ट कर दीजिए कंप्यूटर को, जो कि मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो पता नहीं ये क्यों ऐसे बोल रहा है, तो इसको मैं एक तरह से एग्ज़िट करके फिर से चालू करूँगा कि मुझे रीस्टार्ट ना करना पड़े अपना कंप्यूटर। तो टास्क मैनेजर से ही मैं ये बंद कर पाऊँगा टूल। तो बेसिकली देखते हैं कि कैसे बंद करूँ मैं इस टूल को। तो यहाँ पे हाँ, ये रहा नोकिया केबल फाइंडर। तो एग्ज़िट कर दिया मैंने टूल को, अब मैं फिर से इस टूल को ओपन करता हूँ तो देखता हूँ कि क्या आता है इशू। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नोकिया केबल फाइंडर वर्जन 9 हैज़ बीन यूज्ड 2 times। ओके, तो जैसा आप देख सकते हैं कि टूल अब खुल चुका है और हमें अभी फ़िलहाल में कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आप इस टूल से मतलब कि ये टूल आपको हेल्प करेगा कोई भी नोकिया का जो फ़ोन है, मॉडल है, उसके बारे में जो पिन का जो इन्फॉर्मेशन होता है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं यहाँ से। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं N72 सर्च करता हूँ यहाँ पे, N72 और फाइंड पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मॉडल नंबर है ये आ गया है N72 का, और BB5 क्या है मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और N70 भी यहाँ पर लिख गया है। तो मैं चलिए 3310 सर्च करता हूँ, काफ़ी फेमस फ़ोन था नोकिया का, 3310 फाइंड। तो आप देख सकते हैं कि 3310 के बारे में भी यहाँ पे नीचे इन्फॉर्मेशन आ गया है कि क्या क्या है, केबल फाइंड कैसे करते हैं, वो यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। तो काफ़ी छोटा सा टूल है और अगर आप नोकिया फ़ोन रिपेयर करते हैं या यूज़ करते हैं तो ये टूल आप एक बार इस्तेमाल करके ज़रूर चेक करिएगा, ये आपको हेल्प करेगा आपका नोकिया का फ़ोन रिपेयर करने में। तो छोटा सा टूल है और टूल बेसिकली बनाया गया है महमूद रिज़ा के द्वारा, जो कि कश्मीर के रहने वाले हैं। और अगर आपको ये टूल पसंद आया तो एक बार डाउनलोड करके ट्राई कर लीजिएगा, और अगर मेरी मेहनत पसंद आई, ये वीडियो पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।